बस वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं एपी के उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाइएगा कहकर, लेकिन यहाँ सॉरी बट बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने इसके लिए। फाइनली आपके कमेंट्स से रिलेटेड ही है इस वीडियो, जो भी ये वीडियो है। उम्मीद है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ न्यू टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, ताकि आपके जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो इन वीडियोस के थ्रू जो है नोट्स भी बना सकते हैं। कोई भी पॉइंट मिस नहीं की है मैंने, हर पॉइंट को मेंशन किया है। इसके बाद जो है आपको बिट से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगे, लेकिन ये पूरा कंटेंट एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो कि पहले ये जो भी कंटेंट के वीडियोस हैं उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो है इससे रिलेटेड आपको बिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो या डेफिनेटली वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको एक बात ये बता दूं कि जो भी आपको इसमें डाउट्स हो या फिर कोई भी आपको कंटेंट गलत लगा हो या फिर कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा लगा हो या फिर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपको उस चेंजेस के थ्रू देखने को मिलेंगे आपको वीडियोस, या फिर आपको जो भी आपने हमें कमेंट किया था जो भी टॉपिक से रिलेटेड हो वो भी देखने को मिलेंगे वीडियोस। तो या चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सबक का नाम आकर खानदान फैमिली। तो इसमें पूरे जो है फोर्थ क्लास के न्यू टेक्स्ट बुक ईवीएस में पूरे 11 असबाक हैं। इसमें से जो है मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको हर असबाक के जो हर सबक से मुताल्लिक जो है फुल्ली डिटेल से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहला आकर सबक का नाम आकर एक ख़ानदान फैमिली है। तो इसके चंद इक्तसाबी नतायज हैं, इस सबक से मुताल्लिक आपको क्या बच्चों को क्या मिलने वाला है कहकर। तो पहला ये है कि जो भी अफराद ख़ानदान होती हैं वो क्या हैं, उनमें रिश्तेदारी कैसी होती है उसका फहम दिलवाना, और जो बड़ा ख़ानदान किसे कहते हैं, छोटा ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदानी तब्दीलियां क्या हैं उससे फहम करवाना, और मुख्तलिफ तर्ज ख़ानदानों की शनाख्त कराने के लिए और जो भी घरेलू अशिया है उसकी शनाख्त कराने के लिए कुछ चार इक्तसाबी नताइश पर मबनी है ये सबक। फर्स्ट पॉइंट आकर मादराना अफराद ख़ानदान मेटरनल फैमिली मेम्बर्स किसे कहते हैं। तो जो भी वालिदा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ानदान होते हैं उनको मादराना अफराद ख़ानदान मेटरनल फैमिली मेम्बर्स कहा जाता है, जैसे कि नाना नानी, मामू मामी, इस तरीके से खाला खालू, जो भी वालिदा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ानदान होते हैं उनको मैटरनल फैमिली मेम्बर्स कहा जाता है। दूसरा आकर पेटरनल फैमिली मेम्बर्स किसे कहा जाता है। तो जो भी वालिद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ानदान होते हैं उनको जो है पादरी अफराद ख़ानदान पेटरनल फैमिली मेम्बर्स कहा जाता है, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी वगैरह, जो भी वालिद की तरफ से ताल्लुक़ रखने वालों को। एंड ख़ानदानी शजरा, किसी के घर में जो है ख़ानदानी शजरा बड़ा होता है तो किसी के घर में छोटा होता है, क्योंकि उनके अफराद ख़ानदान से मुताल्लुक़ उनका ख़ानदानी शजरा होता है। और हमारे माशरे में जो है बहुत सारे ख़ानदान हैं, जैसे कि अलग अलग मुख्तलिफ तर्ज के ख़ानदान होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके घराने में, और उनके उस घराने में जिस तरीके से वो रहते हैं उनके हिसाब से पता चलता है कि उनके घर में कौन बड़े हैं, कौन जो है पूरे घर को चलाता है उस तरीके से कहकर। तो चंद मुख्तलिफ तर्ज ख़ानदान जो है इसमें बयान किए गए हैं। उसमें पहला आकर इनफिरादी ख़ानदान, इंडिविजुअल फैमिली, इनफिरा न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो इनफिरादी ख़ानदान यानी जो कि सिर्फ माँ बाप और बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान को इनफिरादी ख़ानदान कहते हैं। इसमें जो है जो वालिद साहब होते हैं वो आकर ख़ानदान की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर दोनों मिलकर भी लेते हैं, इनफिरादी ख़ानदान कहते हैं, यानी
बच्चों और माँ बाप पर मुश्तमिल ख़ानदान को न्यूक्लियर फैमिली इनफरादी ख़ानदान कहते हैं। ये रहा पहला। दूसरा आकर मुश्तरीका ख़ानदान, जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में जो है आपको दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी और वालिदा, बच्चे, उनके सब मिलाकर जो है वो जॉइंट फैमिली होती है, मुश्तरीका ख़ानदान कहते हैं उसे। और तीसरा आकर वाहिद सरपरस्त ख़ानदान, यानी उसमें माँ जो है सारे ख़ानदान की देखभाल करती है, तो वैसे ख़ानदान को वाहिद सरपरस्त ख़ानदान कहते हैं। और कुछ फैमिली भी ऐसी भी होती है जो कि दादा दादी और नाना नानी पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि बच्चे जो है दादा दादी के पास रहते हैं या फिर कोई बच्चे नाना नानी के पास रहते हैं, तो ये एक तरह का ख़ानदान है। या फिर पांचवा आकर ऐसा है कि जो माँ पर मुनहसर ख़ानदान होता है, जैसे कि वालिद की बीमारी की वजह से, बीमार होने की वजह से हो या फिर कुछ और वजह से हो, माँ पर जो है मुनहसर ख़ानदान भी होते हैं माशरे में। तो ये रहे कुछ अलग अलग मुख्तलिफ तर्ज के ख़ानदान, कुछ पांच तरीके के हैं जो कि इनफरादी में किस तरीके से है, मुश्तरीका में क्या है, वाहिद सरपरस्त ख़ानदान क्या है, दादा दादी या नाना नानी पर मुनहसर ख़ानदान कैसा होता है, माँ पर मुनहसर ख़ानदान कैसा होता है, ये तो आपको देखे ही होंगे। ये कुछ पांच तर्ज के ख़ानदान रहे। घरेलू अशिया, घरेलू अशिया में ना हर बार जो है तब्दीलियां आ रही हैं। जिसके पहले ज़माने के लोग हर काम जो है हाथ से किया करते थे, मगर अब हर काम जो है मशीनी आलात से कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली भी बहुत खर्च हो रही है और साथ ही इंसान जो है सुस्त पड़ता जा रहा है। तो इस्तेमाल करने से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हो रहे हैं। तो इस तरीके से घरेलू अशिया जो है हर दौर में जो है तब्दील होते आ रहे हैं। दूसरा सबक का नाम आकर इसके तीन मकासद हैं, जैसे कि पहला आकर अपने अकनाफ जो भी माहौल में जो है पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़, तने, फूल, फल का जो है मुशाहिदा करके और उनके खसूसियत की शनाख्त करेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहा जो भी पौधों में गिज़ा कैसे तैयार होती है और उसका फ़हम हासिल करेंगे। तीसरा पॉइंट ये रहा जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं उनके फ़वाइद के बारे में, उनकी फ़वाइद की जो है शनाख्त करेंगे। तो ये तीन मकासद रहे सब्ज़ दुनिया सबक के। पौधे जो है बहुत ही तरह तरह के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं और उसको हर पौधे जो है हर इलाके में आपको देखने को नहीं मिलते। कुछ पौधे पर्टिकुलरली कुछ अलग इलाकों में ही आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम घर में जो है हर तरह के पौधे उगा नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में उसके माहौल और मौसम और उनकी मिट्टी के लिहाज से जो है मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगते हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो है आपको देखने को मिलते हैं। मुकाम नमो के लिहाज से पौधे जो है दो तरह के होते हैं, एक आकर ज़मीनी पौधे, दूसरा आबी पौधे। तो मुकाम नमो के लिहाज से जो है दो तरह के पौधे होते हैं, वो आकर ज़मीनी पौधे और आबी पौधे। ज़मीनी पौधे कौन से हैं और कौन से इलाकों में कौन से पौधे मिलते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से जो है आबी पौधे कौन से हैं और कौन से इलाकों में जो है कौन से पौधे उगते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे थोड़ी बहुत। तो पहले आकर ज़मीनी पौधे कौन से हैं, वो पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं, नमो पाते हैं, उसको ज़मीनी पौधे कहते हैं। इसमें जो है तीन तरह के अलग किस्म के हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में भी उगते हैं कुछ पौधे, कुछ आकर पहाड़ी इलाकों में और कुछ सहराई पौधे होते हैं। मैदानी इलाकों में जो पौधे मिलते हैं, जैसे कि बरगद का हो, पीपल का, आम, इमली, जाम वगैरह के जो है दरख्त को मैदानी इलाकों में उगते हैं और उसको मैदानी इलाकों में उगने वाले दरख्त कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में उगने वाले पौधे जैसे कि
सनोबर का दरख्त हो या फिर शाहबलूत का दरख्त हो, जो कि बहुत लंबे होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। सहराई पौधे उसे कहते हैं, जैसे कि नागपन्नी या फिर गोल्डन बैरल कैक्टस कहते हैं। ये पौधे जो है मोटे मोटे तने में पानी को ज़खीरा करके इस्तेमाल करते रहते हैं। जो भी सहराई पौधे होते हैं उनमें जो है मोटे तने में जो है पानी जो है ज़खीरा करके इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये रहे ज़मीनी पौधों में तीन अलग अलग तरह के पौधे और उसकी चंद मिसालें। आबी पौधे, आबी पौधे यानी वो पौधे जो पानी में नमो पाते हैं, पानी में उगते हैं, उसको कहते हैं आबी पौधे। इसमें भी जो है तरह तरह के होते हैं, जैसे कि पानी पर आज़ादाना तौर पर तैरते वाले पौधे तैरते हैं। मिसाल आकर सब्ज़ा पौधा या फिर संबल आपी, जो कि डकवीड कहते हैं सब्ज़ा को। वाटर हयासिंथ कहते हैं संबल आपी पौधे को, जो कि पानी में जो है पानी पर आज़ादाना तौर पर तैरते हैं। और दूसरा आकर ऐसे पौधे जो कि झील या तालाब की तह से जो है अपनी जड़ों को जोड़े रखते हैं, जैसे कि आपी लिली हो गया, वाटर लिली कहते हैं। और फिर कंवल जैसे पौधों की जो है जड़ें होती हैं वो आकर तालाब या झील की तह से जड़ों को जोड़े रखती हैं। और तीसरा आकर हाइड्रिला या टेपगर, ऐसे पौधे जो है पानी के अंदर उगते हैं। और चौथे तरह के पौधे आकर मैंग्रोव्स होते हैं, जो कि दलदली इलाकों में उगते हैं। तो ये भी कुछ चार तरह के पौधे हो गए, जो कि पानी में तैरने वाले, पानी के अंदर जो है उगने वाले, और साथ ही अपनी जड़ों को तह से जोड़े रखने वाले और दलदली इलाकों में उगने वाले। तो यह चार तरह के पौधे हैं ये। तो ये रहे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीनी और आबी पौधे, जो कि अपने मुकाम और नमो के लिहाज से जो है उगते हैं, मुकाम और मिट्टी के लिहाज से जो है नमो पाते हैं। पौधों की जो है साख्त, जो स्ट्रक्चर होती है, वो आकर दो निज़ामों पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि तने का निज़ाम और जड़ का निज़ाम। तने का निज़ाम और जड़ का निज़ाम, यानी जड़ का निज़ाम यानी वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे जड़ का निज़ाम कहते हैं, रूट सिस्टम। और जो तने का हिस्सा होता है वो आपको तने का निज़ाम उसे कहते हैं, जो पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है उसे स्टम सिस्टम कहते हैं। तो ये रहा जड़ का निज़ाम और तने का निज़ाम। और तने का निज़ाम और जड़ के निज़ाम ये दो तरह के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसे कि तने के निज़ाम में क्या क्या आते हैं और जड़ के निज़ाम में किस तरीके से जड़ें होती हैं वगैरह। जड़ें जो है दो किस्म की होती हैं, पहली आकर असल जड़ और रेशेदार जड़। तो ये दो तरह के जड़ें होते हैं। असल जड़ यानी एक दबेज मोटी जड़ होती है, जो मिट्टी से गहराई तक जो है धंसी होती है और उस पर जो है बारीक छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इसे असल जड़ कहते हैं। यानी चंद पौधों में जो है असल जड़ें होती हैं, चंद पौधों में जो है रेशेदार जड़ें होती हैं। एक दबेज मोटी जड़ होती है, जो मिट्टी में गहराई से धंसी होती है और उस पर बारीक छोटी जड़ें होती हैं। जैसे कि आपने नीम का दरख्त तो देखा है, नीम का दर देखा होगा, नीम की जड़ देखी होगी। नीम का जो जड़ है वो आकर असल जड़ है। और इमली का हो, बरगद का हो, कुछ इस तरीके से जो है असल जड़ों की मिसालें हैं ये। और जो रेशेदार जड़ें होती हैं, ये जड़ें जो है छोटी बाल जैसी बारीक जड़ें कसीर तादाद में जो है तने के फायदे से एक गुच्छे की तरह जुड़ी होती हैं। जैसे कि
इनकी मिसालें आकर धान हो गया, जवार, मक्की या फिर गुलाब, चमेली वगैरह के पौधों की जो है जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक धंसी हुई नहीं होती हैं और इनमें बारीक बारीक जड़ें होती हैं जो कि रेशेदार जड़ें होती हैं और जो फायदे तने के फायदे से जो है जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि हमने बहुत बार घरों में भी उगाया होगा, गुलाब का हो, चमेली का हो, आपने देखा होगा। तो रेशेदार जड़ें इसे कहते हैं और असल जड़ें जो कि एक दबेस मोटी जड़ होती है और उसके ऊपर जो है बारीकी से छोटी जड़ें उगती हैं उसको असल जड़ कहते हैं। जो आबी पौधे होते हैं उसकी जड़ें जो है नरम और स्पॉन्जी जैसे होती हैं जिसकी वजह से उन्हें तैरने में मदद मिलती है। जो कि नरम और स्पॉन्जी होते हैं आबी पौधों की जड़ें। फूलों के हिस्से, एक फूल में जो है आपको जर्रेशे होते हैं, पिस्टिल, फूल की डंडी, कली, फूल पत्ती, पंखड़ी, तो इस तरीके से अलग अलग पॉट्स देखने को मिलते हैं। और कुछ फ़ायदे क्या हैं पौधों से, फूलों से या फिर जो भी पौधे के हिस्से होते हैं उससे क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि गड़ेल और नीम और तुलसी के पौधे जो है फल जो फूल जो है अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और गुलाब, चमेली, लिली जो कि खुशबूदार होते हैं इसलिए उन्हें तेल और इत्रात की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। और जो गोभी होती है वो गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो भी गोभी का फूल होता है वो। और जो फल होते हैं वो आकर विटामिन, मादनियात और रेशे यानी फाइबर कसीर तादाद में पाए जाते हैं फलों में। और नींबू, नीम और इमली जैसे फलों में जो है दवा की खसूसियत पाई जाती है। और रीठे और सीकाकाई जैसे फलों में जो है बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं फलों को। और जो पौधे फलों में जो है बीज पाए जाते हैं मगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसान जो है बग़ैर बीज वाले फलों की जो है काश्त कर रहे हैं, जो कि सीडलेस ग्रेप्स हो या फिर आपको अंगूर इस तरीके से देखने को मिलते हैं मार्केट्स में, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको उगाया जाता है जिसकी वजह से उन्हें बग़ैर बीज के फलें आपको देखने को मिलते हैं। जो घास की सूखी जड़ों से जो है तटियां तैयार किए जाती हैं जिनको जो है मौसम गर्मा में दरवाजे के लिए, खिड़कियों के लिए या फिर कूलर वगैरह के लिए जो है तटियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जो नींबू होता है वो घास की जड़ों को खुशबूदार तेल और कीड़े मार दवाइयों की जो है तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। एक पकवान है जो कि उगादी के त्यौहार पर मखसूस पकवान कहते हैं उसको और मखसूस तौर पर बनाए जाते हैं, मशहूर है, जो कि उगादी की चटनी। ये उगादी की चटनी जो है रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में उगादी के त्यौहार पर बनाने वाला मशहूर पकवान है। इसमें जो है ये चटनी मुख्तलिफ़ किस्म के जायकों का एक आमेज़ा होती है। इसमें मीठा होता है, नमकीन, कड़वा, तेज़ और कसीला जैसे 6 जायके होते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे चीज़ें जो कि पौधों से हासिल किए जाते हैं वो आकर आम, कच्चा आम, इमली, गुड़, नीम के फूल और कच्चा नारियल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सारे अज़ीज़ा जो है पौधों से हासिल किए जाते हैं। उनका मानना है कि इन जायकों को हमारी ज़िंदगी के जज्बात की अलामतें समझा जाता है, जो कि बहुत ही मशहूर पकवान है उगादी के त्यौहार में रियासत एपी में, तेलंगाना में और कर्नाटका में। पौधे अपनी गिज़ा खुद तैयार कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके।
अपनी गिज़ा को ख़ुद तैयार कर लेते हैं। ये अमल जो है शुआए तरकीब का अमल फोटोसिंथेसिस का, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, शुआए तरकीब का अमल कहा जाता है। पौधे ख़ुद अपनी गिज़ा को तैयार करने के अमल को फोटोसिंथेसिस शुआए तरकीब का अमल कहा जाता है। फोर्थ क्लास के न्यू सिलेबस के ये दो असबाक, जिसमें पहले सबक में आपको उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है मगर दूसरे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें लगी हो या फिर कोई समझ में नहीं आया हो पॉइंट या फिर कोई और अच्छे से कंटेंट को समझ आने का वे हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिएगा। हम एज सून एज़ पॉसिबल हमको आपके हमारे वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा वो चेंजेस। तो नेक्स्ट के अगले वीडियोस भी बहुत जल्द आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो एक बार शुरू किया है तो ज़रूर से करेंगे न्यू सिलेबस से रिलेटेड ही पहले हम, देन उसके बाद ओल्ड सिलेबस के भी हम लोग बिट्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं।